हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th वेब एप्लीकेशन लेवल 3 का फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है मल्टीमीडिया ऑथरिंग एंड एनिमेशन टूल्स। इस यूनिट के अंदर हमारे पास पांच सेशन आते हैं, जिनके नाम है एनिमेशन कंसेप्ट, सेकंड में आता है हमारा फ्रेम्स एंड लेयर्स, थर्ड आता है हमारा मोशन एंड शेप ट्यूनिंग, फोर्थ आता है इंपोर्टिंग एवी फाइल्स, और लास्ट आता है हमारा मल्टीमीडिया पब्लिशिंग। तो बात करते हैं अपने फर्स्ट कंसेप्ट पे। हमारा पहला कंसेप्ट आता है एनिमेशन क्या है। ठीक है, एनिमेशन का मतलब होता है टू एनिमेट, एक तरीके से टू गिव लाइफ टू। एनिमेट एक तरीके से किसी भी चीज़ को जो अपने आप से मूव ना हो, विच कैन डैट कैन नॉट बी मूव ऑन इट्स ओन, तो उसको मूव कराना, तो उसको एक तरीके से क्या होता है हमारा एनिमेशन, दिखाना एक तरीके से। तो एनिमेशन में क्या होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, जिसमें हम टाइम्स के डायमेंशंस को ऐड करते हैं, जो उन ग्राफिक्स की ट्रांसमिटिंग पोटेंशियल्स को बढ़ा देता है। ठीक है, तो अगर दूसरी लैंग्वेज में बात करूँ, इसके अंदर इट इज जनरेट ए सीक्वेंस ऑफ इमेजेस दैट व्हेन प्लेड वन आफ्टर द अदर विच थिंग्स मूव। ठीक है, तो इमेजेस का एक सीक्वेंस होता है जो एक के बाद एक चलता रहता है, जो ऐसा लगता है कि विच थिंग्स मूव कर रही हैं, तो वो हमारा क्या होता है यहाँ पर, एनिमेशन होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एनिमेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जिनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं पहले से ही। पहला हमारा आता है फ्रेम। फ्रेम क्या होता है, हमारी जो इमेज होती है ना, वही हमारी क्या कहलाती है एक तरीके से, फ्रेम। फिर सेकंड पॉइंट आता है मेरा इंटरलेसिंग। इंटरलेसिंग क्या होता है, डिस्प्ले एवरी सेकंड रो फॉर वन फ्रेम और एवरी अदर रो फॉर द नेक्स्ट, तो उसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इंटरलेसिंग। ठीक है, कि हम हर एक फ्रेम के लिए एक अलग से, हर एक सेकेंड की रो के लिए एक हर फ्रेम डिस्प्ले करा रहे हैं। की फ्रेम एनिमेशन क्या होता है, एनिमेटर स्पेसिफाई इंपॉर्टेंट पोजिशन थ्रू आउट द एनिमेशन। ठीक है, तो हम एक तरीके से कोई इंपॉर्टेंट पोजिशन हमने थ्रू आउट द एनिमेशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा, तो हमने एक तरीके से की फ्रेम बना दिया है। ठीक है, अपनी एनिमेशंस के लिए। उसके बाद आता है मोशन कैप्चर। मोशन कैप्चर एक तरीके से ट्रेमलेस फीचर एनिमेशन के अंदर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक वर्चुअल करेक्टर को ड्राइव कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारे पास जो एनिमेशन टाइप की जो मूवीज़ होती है ना, तो वो रियल तो होती नहीं है। ठीक है, वो जब बोलता है, या आपने मूवीज़ में देखा होगा फाइटिंग के दौरान, तो रियल नहीं होती है, वो कैसी होती है, हमारी मोशन कैप्चर्स होती हैं। ठीक है, आगे आता है हमारा प्रोसीजरल एनिमेशन। एनिमेशन बिहेव कैसे करेगा, वो हमें डिसाइड करेगा हमारा प्रोसीजरल एनिमेशन। तो प्रोसीजरल एनिमेशन क्या होता है, इट्स सेट ऑफ इक्वेशन और रूल्स आर एवेल्युएटेड टू डिटरमाइन हाउ द एनिमेशन बिहेव्स। नेक्स्ट आता है मेरा मॉर्फिंग, ट्रांसफरिंग ऑब्जेक्ट शेप फ्रॉम वन टू अनदर। अब एक बॉल है, बॉल को मैं एक स्क्वायर में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, वो एक तरीके से मॉर्फ हो रहा है। फिर हमारा लास्ट आता है पैनिंग, शिफ्टिंग ऑफ बैकग्राउंड और फोरग्राउंड टू इलस्ट्रेट समथिंग इन ए मोशन, कि भैया बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में मैंने कुछ इस तरीके से कि कुछ मोशन में चल रहा है, तो हमारा क्या हो गया एक तरीके से, यहाँ पर पैनिंग हो गया। आगे आता है हमारा कंसेप्ट टाइप्स ऑफ एनिमेशन। तो छह टाइप के हमारे पास एनिमेशन होते हैं, प्रोसीजुअल एनिमेशन, रिप्रेजेंटेशन एनिमेशन, स्टोकेस्टिस्ट एनिमेशन, बिहेवियर एनिमेशन, 2D एंड 3D एनिमेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्रोसीजुअल एनिमेशन के अंदर। प्रोसीजुअल एनिमेशन वो एनिमेशन होता है जो टाइम के साथ साथ अपनी पोजिशन, शेप, whatever, किसी भी चीज़ को बदलता रहता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रोसीजुअल एनिमेशन। फिर आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉल को स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल को हम पैराडिम में चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये क्या होता है हमारा, रिप्रेजेंटेशन एनिमेशन। इसमें तीन सब कैटेगरीज होती हैं। पहला आता है मेरा आर्टिकुलेटेड ऑब्जेक्ट, जिसमें हमारे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं। दूसरा आता है मेरा सॉफ्ट ऑब्जेक्ट एनिमेशन, जो डिफॉर्मिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है, जैसे बॉडी के ऊपर जो स्किन होती है या फेशियल मसल्स होते हैं। ठीक है, और थर्ड आता है मेरा मॉर्फिंग, जो हमारी शेप्स को बदलने के लिए काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा स्टोकेस्टिक एनिमेशन, जिसमें हमारे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कंट्रोल इस पे काम किया जाता है, जैसे कि फायर हो गया, वाटरफॉल हो गया, तो जो वाटरफॉल जो बहता है, तो उसको एक तरीके से कैसी हो, स्टोकेस्टिक एनिमेशन है। फिर हमारा आता है बिहेवियर एनिमेशन, जहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को या एक एक्टर को एक तरीके से कुछ रूल्स दे दिए जाते हैं कि तुम्हें इस अकॉर्डिंग काम करना है, तो वो क्या हो गया एक तरीके से, उसका बिहेवियर एनिमेशन। जैसे कि फ़िश हो गया, तो हमने उसको एक तरीके से उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें हमने
कुछ रूल सेट कर दिए कि इस फिश को इस तरीके से रिएक्ट करना है, तो वो क्या हो गया उसका बिहेवियर एनिमेशन। फिर आता है मेरा 2D एनिमेशन, जो आता है मेरा 2D एनिमेशन। फिर आता है मेरा 3D एनिमेशन, जो हमारा होता है यूज 3D एनिमेशन अबाउट फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन, 3D एनिमेशन जो हम देखते हैं। फिर आगे आता है हमारा टॉपिक ट्रेडिशनल मेथड के बारे में, जिसके अंदर हमारे पास 3 टॉप पॉइंट्स होते हैं। एक आता है मेरा की फ्रेम्स, दूसरा होता है सेल एनिमेशन, और तीसरा होता है रोटोस्कोपिंग। ठीक है, तो अगर मैं की फ्रेम्स के बारे में अगर बात करूँ, तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्टोरी बोर्ड को हम बाहर रखते हैं। ठीक है, इसमें मेक की पॉइंट्स ड्रॉ किए जाते हैं, तो हमारा क्या हो गया वो की फ्रेम्स। फिर आता है मेरा सेल एनिमेशन। सेल एनिमेशन में हर करेक्टर को ओपेक्यू पेपर पे रखा जाता है, और शूटिंग के टाइम वे फ्रेम के बैकग्राउंड के टॉप पर रखा जाता है उसको, तो वो हमारे क्या होते हैं सेल एनिमेशन। फिर आता है मेरा रोटास्कोपिंग, जिसमें पिक्चर को चलती हुई वीडियो से कॉपी किया जाता है कि भाई कोई पिक्चर है, उसमें चलती हुई वीडियो में से हमने कुछ कॉपी कर लिया, और जो हमारे कुछ जो कॉम्प्लेक्स सीन है हमने वहाँ पर उसको ईजी कर लिया जो हमने कॉपी किया है। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा कंप्यूटर एनिमेशन। इसके बारे में हम बात करते हैं, जो एनिमेटेड इमेज को जनरेट करने के लिए काम में आते हैं। इसके अंदर हमारे पास आते हैं 3 बेस्ड कैटेगरीज। एक आता है मेरा की फ्रेमिंग, दूसरा होता है मेरा मोशन कैप्चर, और तीसरा होता है मेरा सिमुलेशन। अगर मैं की फ्रेमिंग की यहाँ पर बात करूँ, तो एक तरीके से ट्रेडिशनल हैंड एनिमेशन टेक्निक कहलाई जाती है एक तरीके से यहाँ पर। दूसरा आता है मेरा मोशन कैप्चर। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया भी था कि एक मैग्नेटिक सेंसर लगा हुआ होता है, ठीक है, जो इंसान और जानवरों की आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। तो इसमें क्या होता है कि हम कोई जब एनिमेटेड कोई मूवी देखते हैं, कोई उसमें एनिमेटेड कोई एनिमल होता है, तो उसमें जो वॉइस होती है वो किसी इंसान की होती है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है एक तरीके से मोशन कैप्चर होता है। उसके बाद आता है मेरा सिमुलेशन। इसमें एनिमेशन में अलग तरह के सीन को प्रोड्यूस करने के लिए काम किया जाता है, तो वो काम होता है हमारा सिमुलेशन पे। ठीक है, तो उसके आगे हम बात करते हैं कुछ हमारे कंप्यूटर एनिमेशन टूल्स के बारे में। तो हार्डवेयर में हमारे पास कुछ पॉपुलर हार्डवेयर हमें चाहिए होते हैं, एमिगा, मैकिंटोश, एसजीआई सिलिकॉन ग्राफिक, पर्सनल कंप्यूटर, हमें ये हमारे हार्डवेयर होते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, तो हमारे एनिमेशन जो जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एडोब फ्लैश, कॉलरड्रॉ, एडोब फोटोशॉप, जिम्प, सॉफ्ट कॉपी, एनिमेटर स्टूडियो, आईक्लोन 4.0 प्रो, एनिमी स्टूडियो प्रो 6। तो इसमें मैं आपको आगे जाके जिम्प के बारे में एक सॉफ्टवेयर लूँगा, इसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा अभी आपको। फिर हमारी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं एनिमेशंस की। मॉडर्न वर्ल्ड में जो एनिमेशन वो बहुत जगह यूज़ करा जाता है, इंटरटेनमेंट में, फिल्म में, टेलीविज़न में, वीडियो में, इंजीनियरिंग में, आर्ट्स, एडवर्टाइजमेंट्स में, एक्रोलॉजी में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम इस एनिमेशन का यूज़ करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जिसका नाम है फ्रेम्स एंड लेयर्स। इसके अंदर हम अपने फ्रेम्स और लेयर्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एनिमेशंस में, हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जिम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में देखेंगे, गेटिंग स्टार्ट विद जिम सॉफ्टवेयर को देखेंगे, लेयर्स एंड फ्रेम्स पे कैसे काम करते हैं वो देखेंगे, कुछ जिम सॉफ्टवेयर के कुछ वेरियस ऑप्शंस के कुछ फैमिलाइजेशन फैमिलियर होंगे उनसे। ठीक है, फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, लेयर कैसे क्रिएट करते हैं, एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन क्लोज कैसे करते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने जिम सॉफ्टवेयर की तरफ। सबसे पहले हमें दे रखा है कुछ डेफिनेशन लेयर के बारे में, कि भाई लेयर एक तरह से आर डिफाइंड एज शीट ऑफ पिक्सल्स डैट कैन बी एडिटेड इंडिपेंडेंटली विदाउट इफेक्टिंग द अदर पार्ट्स ऑफ द इमेज। ठीक है, तो दिस इज़ यूजफुल इन एडिंग ए हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो एक लेयर की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है। उसके बाद अगर एक जिम सॉफ्टवेयर की अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूँ, तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर में हमारे पास OS होना चाहिए। फिर जब हम एक जिम सॉफ्टवेयर, यहाँ पर मैंने एक लिंक भी दे रखा है इमेज में, तो जिम सॉफ्टवेयर क्या होता है एक तरीके से वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, और ये एक तरीके से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर माना जाता है। जब आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है, सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें टास्क बार में, फिर एक पुशअप लाइन आपको दिखाई देगी, वहाँ पर आप जिम पे जाइएगा। ठीक है, तो उसके वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा, कुछ टाइम लगेगा जिम सॉफ्टवेयर को आने के लिए, तो कुछ सेकंड्स में जिम सॉफ्टवेयर आपके पास आ जाएगा। फिर सबसे पहले बात करते हैं कि हमें लेयर कैसे क्रिएट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, तो स्टेप टू स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले हमें फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, वहाँ पर एक ओपन ऑप्शन आपके पास दिखाई देगा, जो ओपन ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो जो भी इमेज आपको सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको न्यू लेयर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, न्यू लेयर डायगोनल बॉक्स में एक डिफॉल्ट लेयर नेम हाईलाइट होगा, अगर आप चाहें तो उसका अपना नाम चेंज भी कर सकते हैं,
जैसे फर्स्ट लेयर आप नाम लिख दीजिए उस पर। उसके बाद आपको चूज़ एंड हाइट आपको चूज़ करनी पड़ेगी, फिर आपको लेयर टाइप चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर देंगे, द न्यू लेयर डायगोनल बॉक्स डिसअपीयर एंड द न्यू लेयर बॉक्स अपीयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक तरीके से लेयर यहाँ पर हमारा क्रिएट हो जाएगा। फिर अगर आपको लेयर डिलीट करनी हो लेयर मेन्यू में से, तो आप क्या करेंगे, लेयर पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, लेयर पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिलीट लेयर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर जाके आप क्लिक कर देंगे तो उसमें से आपकी जो लेयर डिलीट हो जाएगी और एक कन्फर्मेशन मैसेज आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, एक तरीके से लेयर डिलीट हो जाएगी। लिंकिंग लेयर में आपको लेयर पे जाना है, मेन्यू विंडो पे जाइएगा, वहाँ से अपनी लेयर को चूज़ करिएगा, फिर ऊपर टॉप में आपको राइट क्लिक करिएगा, बटन जो राइट साइड पे दे रखा है उससे आपकी लेयर लिंक हो जाएगी। आगे की वीडियो में हम अपने बाकी के सेशंस कंप्लीट करेंगे, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।